नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। हिमाचल से पंजाब में अवैध रेता बजरी लाने वाले ट्रकों पर आज पंजाब माइनिंग विभाग का डंडा खूब चला। जिनके पास एक्स फार्म नहीं थे उन्हें पंजाब हिमाचल सीमा पर रोक दिया गया। माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर गगन कुमार ने बताया कि बिना एक्स फार्म के रेता व बजरी अवैध ही मानी जाएगी। रोके गए ट्रकों को चेतावनी देकर वापस भेज दिया गया। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। तो माइनिंग रिवर बेड माइनिंग तो अलाउड नहीं है इवन हिमाचल एंड पंजाब। तो मेरी बात हुई थी जो माइनिंग ऑफिसर नूरपुर है, तो उन्होंने बताया था कि और उनकी पॉलिसी पड़ी थी, उन्होंने बताया था कि अगर विदाउट एक्स फॉर्म कोई गाड़ी आती है दैट मीन्स उनका रेवेन्यू लॉस है हिमाचल का। तो उसके रिगार्डिंग हमने आज चेकिंग की, हमने कल ऐसे साहब को लिखा था कि पुलिस की गए ताकि नाके लगाए यहाँ से इंक्रीज करती। तो हमने देखा कि जो भी गाड़ी आ रही है हिमाचल से विदाउट एक्स फॉर्म आ रही है और जो बिल है उनके पास, उन पे देखा गया कि कोई क्वांटिटी मेजर कुछ नहीं लिखा, वन ट्रक ऐसा लिखा होता है और उन पे वो सिलटेक्स बाबन का मसला है, लेकिन उसमें वन ट्रक लिखा था, क्वांटिटी कुछ नहीं लिखी होती कि कितनी क्वांटिटी आ रही है। और उसके रिगार्डिंग फिर हमने गाड़ियाँ रोकी थी, तो क्रश वालों ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ गलत है। तो उन्होंने बोला रिक्वेस्ट की कि हमें एक्स फॉर्म के साथ इंटर करेंगे, आप हमें भी जाने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हिमाचल की पॉलिसी है, तो उनके उन्होंने बोला कि अगर बिल है तो साथ में एक्स फॉर्म जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि अगर उनके पास एक्स फॉर्म नहीं होता, उनकी जो पॉलिसी कहती है कि तो गाड़ी को आप बोन करके या सीधे फाइन जो भी है वो कर सकते हैं। हम पंजाब में चेक कर रहे हैं कि कोई भी बिल आएगा अगर विदाउट एक्स फॉर्म आएगा, हम उसको जो वहाँ के कंसर्न माइनिंग ऑफिसर उनको भेजेंगे और उसकी लीगैलिटी प्रॉपर चेक कराएंगे। अगर वो बोलते हैं कि सब कुछ लीगल है, हम उनको अलाउ करेंगे।